रुकिए, बात तो सुनिए। अरे शाम तू यहाँ? सर वो मैं ये तो बस मैं करता रहेगा, मैं बताती हूँ। मैंने ही इसे बुलाया था, शॉपिंग जाना था ना इसीलिए। पर इसने तो आज ऑफिस की छुट्टी ली थी ये बोल के कि इसकी माँ की तबीयत खराब है। अरे हाँ, पर मैं क्या करती, तुम्हें तो जब फोन करो शॉपिंग के लिए तुम मना कर देते थे और इसे भेज देते थे, तो आज मैंने सीधा इसे ही फोन कर लिया तो पता लगा आज ये छुट्टी पे ही है। हाँ वैसे गलती तो मेरी ही है, मैं ही तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ही आ गया हूँ तो मैं ही ले चलता हूँ तुम्हें शॉपिंग। शाम तू जा घर। अरे क्या जा घर, ये भी हमारे साथ चलेगा? तुम्हें मार्केट में मेरी नाक कटवाने में मजा आता है क्या? क्या मतलब? मतलब तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होकर शॉपिंग के थैले उठाओगे या मैं खुद उठाऊंगी? कितनी बेइज्जती होगी हमारी वहाँ, सब बोलेंगे वैसे तो बड़े पैसे वाले हैं और एक नौकर तक नहीं है इनके पास, तो शाम चलेगा और हमारे थैले ये उठाएगा। अच्छा मैम साहब, अच्छा जैसा आप कहें। चल भाई शाम, तेरी भाभी तो तुझे ले जाकर मानेगी। चलो तुम लोग रेडी हो, मैं आया वॉशरूम होकर। मैडम ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको थैले उठाने वाला लगता हूँ? चुप कर, तू समझा? मेरे सामने ज्यादा जुबान चली ना तो जुबान काट दूंगी। तू कुत्ता है मेरा कुत्ता, मैं बोलूंगी बैठ तो बैठेगा, मैं बोलूंगी भौंक तो भौंकेगा, और मैं बोलूंगी कपड़े उतार तो उतारेगा, समझा? हो गए तुम लोग रेडी? जी हम तो कब से रेडी हैं। तो चलो फिर। शाम वहाँ तुमने किसी को ये नहीं बोलना कि तुम हमारे ऑफिस में काम करते हो, कोई पूछे तो कहना है तुम हमारे नौकर हो, हमारे घर में काम करते हो। क्या प्रिया तुम भी। शाम अब तो तुम्हें यहाँ का रास्ता भी याद हो गया होगा, प्रिया ने तुम्हारे यहाँ के इतने चक्कर जो लगवा दिए। जी सर। चलो चलो बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से मुझे शॉपिंग करवाओ, आ जाओ। अरे प्रिया आराम से। वेट वेट, शॉपिंग बाद में करेंगे, पहले ये मेला घूमेंगे और मैं आइसक्रीम खाऊंगी। अरे अरे प्रिया बच्ची हो क्या, यहाँ की आइसक्रीम सही नहीं है। अरे प्रिया वापिस आओ। तुम्हें तो बस पैसे बचाने की पड़ी रहती है, ये नहीं कि एक दिन बीवी को ऐश ही करवा दूं। भैया एक गाढ़ी मलाई वाली आइसक्रीम देना। देखो प्रिया वो कितना गंदा दिख रहा है, सोचो उसकी मलाई कितनी गंदी होगी। चुप रहो तुम, जब देखो बक बक। मैडम अंदर आ जाइए, आपकी आइसक्रीम रेडी है। वाओ मीठी आइसक्रीम। आइए मैम बैठिए। अबे ओ भाई ओ, आइसक्रीम ही खिला रही हो ना? ओ हेलो, क्या कर रही हो नीचे तुम? अरे ओ भाई कौन सी आइसक्रीम खिला रहा है? यम्मी, वाओ मजा आ गया, बहुत स्वाद थी। अरे साहब आइसक्रीम मशीन नीचे ही लगी है, घबराइए मत। चले ऐसे कौन आइसक्रीम खिलाता है? अब मैं खाऊंगी झूला, वो भी सबसे बड़ा वाला। अरे प्रिया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम्हें वहाँ चोट वोट लग गई तो? बोलते रहो, मैं चली झूला झूलने। अरे प्रिया रुको वापिस आओ। भैया एक झूले का टिकट देना। ये क्या बदतमीजी है प्रिया? कोई बदतमीजी नहीं है, तुमसे बस बीवी की खुशी देखी नहीं जाती। ओ मडवे टिकट देना। लीजिए लीजिए मैम, आ जाइए अंदर। दो फटाफट। साला यहाँ भी नीचे बैठा के दे रहा है। अरे ओ प्रिया उठो यहाँ से। अब तुम दोनों यहाँ ऐसे तैसे करो, मैं चली झूला झूलने। अरे प्रिया आराम से, भागो मत गिर जाओगी। ये अरे प्रिया ज्यादा ऊपर मत झुलाना। चुप रहो तुम। अरे प्रिया ज्यादा ऊपर मत जाओ। वोहो! अरे प्रिया ज्यादा ऊपर मत जाओ। ये! बचाओ! ले बैंचो टपक गई। जल्दी भागी सर, भाभी जी झूले से नीचे गिर गई। प्रिया लगता है मेरी टांग टूट गई, बड़ा दर्द हो रहा है। अरे मैम आपको तो बहुत चोट आई है। कितना मना किया था तुम्हें, समझ तो आती नहीं, चली थी वंडर वुमन बनने। चुप रहो और जल्दी लेके चलो मुझे घर। चलो शाम तुम इसे लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जी सर। आइए मैम आ जाइए। चुप कर कुत्ते तू। आ जाओ प्रिया जल्दी आ जाओ। मेरी टांग टूट गई। आइए आ जाइए मैम आ जाइए, कुछ नहीं है थोड़ी सी लगी है। अब ठीक हो तुम प्रिया? हाँ पहले से ठीक है। शुक्र है भगवान का तुम ठीक हो। चलिए सर अब मैं निकलता हूँ। अरे अभी से निकलता हूँ, इतने दिनों बाद हम लोग मिले ऐसे ऑफिस के बाहर, और देखो ना अभी प्रिया भी ठीक है। चलो दो दो पैग हो जाए इसी खुशी में। अरे नहीं नहीं सर, मुझे दारू बहुत जल्दी चढ़ जाती है, मैं बाहर नहीं पीता। अरे ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, आ जाओ चढ़ गई तो मैं संभाल लूंगा। चलो प्रिया तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना, हम नीचे ही बैठे हैं, आ जाओ शाम।
श्याम तुम बैठो, मैं बोतल लेकर आया। लो श्याम, जो मन करे पी लो, बियर दारू सब है। अरे सर, ये तो बहुत सस्ता माल है, मैं तो ब्रांडेड पीता हूँ। अरे श्याम, तू इतनी महंगी कैसे पीता है? मैं तो तुझे इतनी ज्यादा सैलरी देता नहीं। अरे सर, सैलरी से क्या होता है, मैं तो घर बैठे खेल के उससे ज्यादा कमा लेता हूँ। अच्छा, वो कैसे? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ घर बैठे पैसे कमाने का तरीका, वो भी एक कूल गेम खेल के जिसका नाम है जेपलिन। हम इसमें थोड़े से पैसे लगाकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे खेलना कैसे है। अब देखो इसमें करना क्या है, ये मैंने लगाया इसमें 1000 रुपए और एयरशिप टेक ऑफ कर रही है और हमारे जीतने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। वाओ, मैंने 470 रुपए जीत लिए। तो चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, तो मैं वेट करता हूँ, बहुत अच्छा मौका ढूंढता हूँ। और लो, मैंने फिर जीत लिए 1565 रुपए। वाह यार, सही है, मैं भी ट्राई करूंगा इसको। तो चल चल शाम, जल्दी उठाना, नहीं तो गर्म हो जाएगी। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी बहक जाता हूँ। अरे इट्स ओके शाम, लो उठाओ। चीयर्स। चीयर्स। बस सर, लो लो एक और पैग उठाओ। अरे सर अब बस कीजिए। अरे ये क्या, तुम्हें तो 2 पैग में ही चढ़ गई। हाँ मैंने तुझे बोला था पर तूने मेरी एक नहीं मानी। अरे कोई बात नहीं श्याम, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा तुझे। अरे क्या हुआ, ये तुम दोनों की चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है? अरे कुछ नहीं, वो हमें थोड़ी सी चढ़ गई है। चलिए सर अब मैं चलता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं चलता हूँ, इतने नशे में कहाँ जाओगे तुम, आज रात यहीं सो जाओ। नहीं नहीं मैडम, मुझे कोई नशा नहीं हुआ है, अब मैं चलता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना आप, समझाइए इसे, बोलिए ना यहीं रुक जाए रात को। अरे सही तो कह रहा है वो, उसे इतनी भी नहीं चढ़ी है और अभी टाइम ही क्या हुआ, 9 ही तो बज रहे हैं। चलिए सर मैं चलता हूँ। भाड़ में जाओ, मरना चाहते हो तो मरो। चलिए सर बाय। चलो शाम, संभाल कर जाना, तुम नशे में हो। अरे सर टैक्सी से तो जाना है, अभी पहुँच जाऊँगा। ओ चलो टैक्सी आ गई, टैक्सी। चलिए सर बाय। भाई रंगल रोजॉक ले ले। जी साहब बैठिए। अरे प्रिया आज तुम सोगी नहीं समझी? चुप रहो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रुक तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। चल इधर आ। बोले ना दूर रहो। ऐसे कैसे दूर रहूं? आज मैं तुम्हारा सारी गर्मी निकालता हूँ। क्या है? अरे उठिए, 9 बज रहे हैं सुबह के। अरे क्या 9 बज गए और मैं अभी तक सो रहा हूँ, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे मुझे लगा रात में बहुत मेहनत करी थी तो सोने देती हूँ थोड़ा। अरे चुप रहो, वो तो मैं नशे में था। तुम जाओ चाय नाश्ता बनाओ, मैं आया नहा के, आज बहुत काम है। प्रिया नाश्ता बन गया? हाँ आ गई, बस लाओ जल्दी दो। ये लो। तुम्हारी शॉपिंग के चक्कर में काम नहीं हो पा रहा 4 दिन से, रुको शाम को फोन करके बोल देता हूँ आज जल्दी पहुँच जाए ऑफिस। हेलो शाम। हाँ सर बोलिए। शाम 4 दिन से बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, तुम ऐसा करो आज जल्दी पहुंच जाओ ऑफिस, मैं भी बस निकल रहा हूँ। अरे सर मैं आपको ही फोन करने वाला था, आज एक्चुअली घर में लड़की वाले आ रहे हैं रिश्ते के लिए। अरे क्या बात है, बढ़िया यार, चलो तुम एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ ऑफिस। हाँ कल की तो छुट्टी है संडे की, तो मैं परसों से आता हूँ ऑफिस। ओके चलो बाय। किसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं? अरे वही मेरा मैनेजर शाम को। क्या? अरे पर तुम्हें इतना शौक क्यों लग रही है? अरे मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि तुम एक नंबर के पागल हो, उसने तुम्हारा कितना साथ दिया, यहाँ तक कि मुझे आके शॉपिंग भी करवाई, और आज उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम उसके साथ तक जाके नहीं खड़े होगे? सही कहा तुमने, उसके फादर भी नहीं है तो मुझे ही उसके घर जाना चाहिए। ऐसा करो तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों चलते हैं दोपहर को उसके घर। हाँ मैं अभी आई नहा के। अरे बाबा अभी नहीं जाना, दोपहर को जाना है। अरे प्रिया और कितना टाइम लगेगा? अरे बाबा आ गई बस।
कब से यही सुन रहा हूँ मैं, ऐसा क्या तैयार हो रही हो? अरे वाह, क्या लग रही हो! अब क्या आंखें फाड़ के देख रहे हो? अब पता लगा इतना टाइम क्यों लग रहा था? हाँ, आज तो तुम क्यामत लग रही हो। चले अब, थोड़ा रुक के चले। चलो चलो, अपना काम करो। अच्छा सुनो, वहाँ तमीज से बात करना मुझसे। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुमसे तमीज से बात नहीं करती? बस यही रोजॉक में है उसका घर। आए हाय, वो इतनी गंदी बस्ती में रहता है, छी। हाँ यही वाला घर है। हाँ जाओ। नमस्ते आंटी। अरे आ गए आप लोग, आइए आइए, अंदर आइए। यह मेरी प्यारी बहू है। जी आंटी, ये मेरी वाइफ है प्रिया। आइए ना सर, खड़े क्यों है, बैठिए। सर इनसे मिलिए, ये हैं श्याम के सर। हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया अंकल। और बताओ बेटा, क्या करते हो? सर मेरे यसना में कॉन्डम की फैक्ट्री है। तभी अब तक तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। अरे सर आप बहन जी, एक ग्लास पानी मिलेगा? और शाम को भी बुलाइए ना, कहाँ है वो? भाई साहब शाम तो ऊपर तैयार हो रहा है, रुकिए पानी लाती हूँ मैं। अरे अरे आंटी आप बैठे ना, मेरे होते हैं आप क्यों जाएंगी पानी लेने? कितनी प्यारी है मेरी बहू। रुकिए अंकल, मैं अभी लाई पानी। क्यों कुत्ते, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे? शादी करनी है ना तुझे? चल तेरी सुहागरात मैं यही मनवाती हूँ। मैडम छोड़िए मुझे। नहीं नहीं, शादी करके सुहागरात मनानी है ना तुझे? चल मैं यही मनवाती हूँ तेरी सुहागरात। मैडम प्लीज आप जाइए नीचे, मुझे भी सब नीचे बुला रहे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी के बारे में सोचने की भी? मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए। क्या समझाया था तुझे, तू मेरा कुत्ता है कुत्ता। चल कपड़े उतार, चल। मैडम नीचे मेरा वेट कर रहे हैं सब लोग, और नीचे सर भी तो हैं। मैडम प्लीज। शोर मचाओ, बुलाओ सबको ऊपर, निकलवाओ तुझे नौकरी से। मैडम नो 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 नो, प्लीज 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 मैम नो। चल हो नंगा। प्लीज मैम नो। अरे बहन जी, बड़ी देर लगा दी बिटिया ने पानी लाने में, और शाम भी नहीं आया अब तक। हाँ पानी तो बाहर रसोई से ही लाना था, काफी देर लगा दी। रुकिए भाई साहब मैं देख कर आती हूँ, यह यहाँ रसोई में भी नहीं है। प्रिया बेटा, श्याम। अरे प्रिया बेटा तुम यहाँ श्याम के कमरे में? आंटी वो मैं तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी सिर्फ सेकंड पार्ट आया गाइस, थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। वैसे तो मैं एक ही वीडियो में डालने वाला था, लेकिन बहुत बड़ी हो जाती वीडियो क्योंकि यही 13 मिनट की बची थी और आगे भी काफी स्टोरी है। सो मैं थर्ड पार्ट बना के जरूर डालूंगा, जल्दी से जल्दी डालूंगा। सो जिसने अभी तक सब्सक्राइब